हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए ये हैं केले और ये केले जो हैं खराब हो चुके हैं। तो अब इसका क्या उपयोग हम लोग करें? तो इसका उपयोग करेंगे हम अपनी गार्डनिंग के लिए और इसका आज एक बहुत ही अच्छा बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइजर बनाएंगे। तो जो केले के छिलके होते हैं उनमें जो है बहुत अधिक पोषक तत्व होते हैं जो हमारे प्लांट्स की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो ये जो केला है इसको हम जो है कट कर लेंगे और कट करने के बाद जो है इस बाउल में डालेंगे। ये सारे ही केले के छिलके हैं जो कि मैंने जमा करके रख लिए थे। तो इन केले के छिलकों में क्या पाया जाता है दोस्तों, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा और हेल्दी है और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है। तो इसमें जो होता है वो होता है पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब कुछ इसमें पाया जाता है। जब केले हमारे लिए इतने उपयोगी हैं तो हमारे प्लांट्स के लिए भी उतने ही उपयोगी हैं। तो इनके केले के छिलकों को आप बिल्कुल भी ना फेंकें और इनका उपयोग अपनी गार्डनिंग में करें। इससे जो है फूलों की मात्रा बहुत अधिक होती है क्योंकि हमारे फूलों में पोटेशियम की जरूरत होती है और पोटेशियम केले में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर हमारे प्लांट्स की पत्तियां पीली हो रही होती हैं तो वो कैल्शियम की कमी से होती हैं। तो केले के छिलकों में कैल्शियम भी पाया जाता है। तो आज बनाते हैं इसका फर्टिलाइजर। तो ये देखिए, ये मैंने बाउल में इकट्ठे कर लिए हैं और ये केले भी काट के मैं इसमें ही डाल दूंगी और इसमें हम भर लेंगे पानी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कट करके इसमें सारे केले भी और छिलके भी सब डाल दिए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी, पानी पूरा भर लेते हैं इसको। केले के छिलके हमारे घर में रोजाना ही आते हैं फ्रेंड्स, तो इनको बिल्कुल भी आप ना फेंके, इनका उपयोग करें अपने गार्डन में। और ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर बनकर तैयार होता है हमारे प्लांट्स के लिए। प्लांट्स में जब भी आप दें तो इनको जो है 15 दिन के अंतराल में आप दे सकते हैं। और ये फर्टिलाइजर जो है ऑर्गेनिक है और बिल्कुल फ्री का है। तो अब इसको हम जो है उबाल लेते हैं गैस में। ये देखिए फ्रेंड्स, केले के छिलके पानी डाल के उबलने के लिए रख दिए हैं, गैस हमने ऑन कर दी है। अब इसको हम जो है 10 से 15 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइजर बिल्कुल बनकर तैयार है। ये केले के छिलकों को आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं। इनमें पानी डाल के जो है एक रात के लिए आप भिगा दीजिए और दोबारा भी इनको आप यूज कर सकते हैं इसके फर्टिलाइजर को। तो अब जो है ये फर्टिलाइजर हम देखिए, ये मेरी कम से कम 5 लीटर की बाल्टी है, उसमें हम इस फर्टिलाइजर को डाल देते हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है फ्रेंड्स। आप जो है इसमें इसको अपने प्लांट्स में अप्लाई कर सकते हैं, आप कोई भी पौधों में इसको डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ है। और आपको पता है ये केले के छिलके बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये अब फर्टिलाइज़र जो है हम अपने प्लांट्स में दे देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें लेना है और आप जो है अपने प्लांट्स के अकॉर्डिंग में इसको दे सकते हैं। तो इस तरह देखिए इसको हमको अपने प्लांट्स में देना है। ये देखिए, ये मेरा जेट प्लांट है, तो ये जेट प्लांट को मैं ये फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। और दूसरा हम देते हैं अपने एडिनियम के प्लांट को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एडिनियम का प्लांट है जिसमें इतने अच्छे से फ्लावर आए हुए हैं। तो अब हम ये फर्टिलाइज़र इसको भी दे देते हैं। ये देखिए, तो मैं अपने गार्डन के जो भी मेरे प्लांट्स हैं उनमें सभी में ही ये फर्टिलाइज़र मैं दे दूंगी। ये देखिए इस तरीके से। आप फ्रेंड्स इसको छानना चाहते हैं तो आप छान कर भी दे सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें इसके साइडों में इस फर्टिलाइज़र को डाल देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही शक्तिशाली फर्टिलाइज़र है हमारे प्लांट्स के ऑल ओवर ग्रोथ के लिए, उनको अच्छा और स्वस्थ बनाने के लिए, पत्तियों को हरा भरा रखने के लिए, उनमें अच्छी फ्लावरिंग के लिए। ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो इसको आप जो है यूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और बिल्कुल फ्री का है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फ्रेंड्स।